पापा मैं ठीक हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जगन्नाथ। कैसे हो सब? आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और थोड़ा सा गला बैठ गया, और कल भी मेले में हम थोड़ा आइसक्रीम खा दिए थे तो और थोड़ा सा बैठ गया, क्या करें। तो बहुत धूप में गए थे तो चले गए, इसे मन हुआ तो, लेकिन बहुत धूप था और बहुत टायर्ड हो गए हम कल। और अभी हम सुबह उठ के सब काम करके अभी ब्रेकफास्ट भी कर लिए, और अभी चलो लंच बनाएंगे। आज लंच में बनेगा कटहल की सब्जी बनाएंगे जो जैक फ्रूट, तो कल हम मायके से लाए थे और अभी वो छोटा छोटा मिल रहा है, और अभी न्यू खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत टेस्टी लगता है। तो वेज मटन जो आज बनेगा, वेज मटन तो ज़रूर ट्राई करेंगे, तो आप लोगों को भी देखेंगे रेसिपी कैसे हम बनाते हैं, तो कैसा लगेगा आप ज़रूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज चूल्हा पे नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा धूप दे रहा है और वहाँ पे थोड़ा भी छाँव नहीं है तो बैठने के लिए मन नहीं कर रहा है, और टायर्ड भी लग रहा है थोड़ा सा। तो चलिए आज गैस में ही बना देंगे। और ख्याति भी अभी नहीं है, वो आज स्कूल गई है, अभी स्कूल गई है तो सुबह सुबह हमने ब्लॉग भी नहीं बना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम मेले से सब लेके आए थे, एक बर्तन है और नारियल को कूटने के लिए, अरे पंखी है, अरे चट्टू है, जब हाथ हम इसमें परेशान तो बस इतना ही हम लेके आए थे, कुछ नहीं। तो आज हम पहले भी मैंने एक बनाया था, आज और एक अलग टाइप का बनाएंगे। तो आज हम एक पहले वाला जैसे नहीं बनाएंगे, आज एक न्यू टाइप का हम बनाएंगे, न्यू रेसिपी। तो कल का चलो देखते हैं कैसा बना। मैंने कट लिया, अभी इसको यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी बैठा दिया, अभी थोड़ा सा पानी दे देंगे। और इसमें दे देंगे कटहल का जैक फ्रूट, हमारे यहाँ तो उड़िया में 500 बोलते हैं। और अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक देंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर देंगे, और इसको थोड़ी देर पकाएंगे, थोड़ा ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। इसका जो कसा पानी है वो निकल जाएगा, तो अभी हम इसको कवर कर लेंगे। चलिए मसाला बनाएंगे। मसाला तो बहुत ज़्यादा चाहिए, मटन जैसा नहीं तो नहीं लगेगा। तो चलिए बनाएंगे अभी। तो अभी आप देख सकते हो ये थोड़ा सा पक गया, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अभी हम इसको कुकर में बनाएंगे, तो इसीलिए तो देखिए थोड़ा सा पका है, तो अभी हम इसको निकाल देंगे। मैं इसको अभी छान दिया, और यहाँ पर हम सब खड़ा मसाला लेंगे, और अभी मैं इसको भी ग्राइंडिंग कर दूंगी। तो चलिए अभी इसको ग्राइंडिंग कर देते हैं। कुकर भी बिठा दिया और कुकर भी गर्म हो गया, तेल देते हैं। तो देखिए तेल भी गर्म हो गया, अभी हम उसमें आलू को फ्राई करेंगे।
तो आलू भी फ्राई हो गया, अभी इसको निकाल देंगे। अभी उसमें कटहल वटहल फ्राई कर देंगे। और भी है क्या? नहीं है। छोटी लोग कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ऊपर हो रहा है कुकर, मैं इतना नीचे हो रही हूँ तो कहाँ से दिखाई दे रहेगा। इसीलिए मुझे अभी इसका जुगाड़ मैंने कर लिया, अभी मैं इस पीने के ऊपर खड़ा होकर बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमारा कटहल भी फ्राई हो गया, अभी इसको भी निकाल लेंगे। और उसमें अभी तेल दे देंगे, उसमें तो ज्यादा तेल चाहिए। तो यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया, अभी दे देंगे प्याज। थोड़ा सा नमक ताकि प्याज जो है अच्छी तरह से गल जाए। तो अभी प्याज भी फ्राई हो गया अच्छी तरह से, तो अभी हाँ जो हमने मसाला रखे थे उसको मिला देंगे। एक हाथ में फोन और एक हाथ में दे रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया, वो सोई और मीट भी हम उसमें जो हमारा मसाला का पानी है उसको मिला देंगे। मसाला का जितना भुनेंगे उतना इसका स्मेल आएगा और उतना ही टेस्ट लगेगा। तो देखिए किस तरह से बन गया, अच्छी तरह से बन गया। अभी हम उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर दे देंगे। नहीं है दवा खत्म, बस इतना ही था। अरे हल्दी पाउडर, और उसमें कुछ नहीं मिलाएंगे, मतलब मीट मसाला वगैरह कुछ नहीं मिलाएंगे, बस इसमें ऐसे हो जाएगा। अभी थोड़ा सा पानी दे देंगे और थोड़ी देर पकने में। तो अभी हम उसमें टमाटर मिला देंगे, दो टमाटर मैंने दिया छोटा छोटा। और अभी स्वाद अनुसार नमक, समझो सब भी मसाला हो गया रेडी। अब वहाँ पर मिला देंगे कटहल और आलू। तो ऐसा तो सब लोग बनाते हैं मटन जैसा वेज सब्जी, लेकिन अभी यह स्पेशल मटन जैसा होगा। ये देखिए अभी इसमें दो लहसुन मिला देंगे, मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अभी इसमें थोड़ा सा पानी दे के हम सीटी लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे। दो सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे, सिर्फ दो, ज्यादा पानी नहीं देंगे। अभी गैस अप। तो ये देखिए ये कितना यम्मी दिख रहा है, वाव बढ़िया। लहसुन कहाँ गया?
देखिए, तो आज सभी का पसंदीदा खाना बना है। और कितना देर? और थोड़ी देर। ये ख्याति का सोयाबीन बड़ी, और इस पमिक का फेवरेट दही बैंगन। आज सबका बना है फेवरेट। क्यों? क्या हुआ ख्याति, आ गई? कैसा रहा? जो ज्यादा गर्मी, इतना दूर पैदल आया। स्कूल में फैन भी नहीं था और इतना दूर पैदल आ गया ना। तो अभी खाना रेडी, चलिए खाएंगे। अभी मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, तो चलिए खाना शुरू करते हैं। खाने में है पकाल भात, गोड़ी भजा मेरे जो फेवरेट है, और ये लहसुन आलू और जैकफ्रूट का सब्जी, और ये बैंगन और दही का दही बैंगन। अरे नहीं यार, चलो खाते खाना शुरू करते हैं। ये सब तो शुरू भी कर दिए नहीं, नहीं। मुझे तो फेवरेट लग रहा है, बहुत अच्छा है। भैंस चिकन, भैंस चिकन, भाभा वाले भैंस चिकन बोलियो जा। जो भैंस मटन बैंगन भी बहुत अच्छा है। भैंस चिकन उधर मत देखो, खाने पे ध्यान दो, नहीं तो सब चला जाएगा। गोटे वाली यहाँ सुस्ती हो नहीं ना, फोटो आ गया तो तो यहाँ पे मम्मी अकेली बच्ची है जो अभी तक खा रही है। तुम लोगों का जितना खाना बच गई वो सब साफ करूंगी।
तो अभी मैं खाकर ट्यूशन गई थी और अभी मैं आ गई। तो ये वीडियो अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।